नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। वेतनमान से कम मंजूर नहीं, पारा शिक्षक नहीं देंगे आकलन परीक्षा। पारा शिक्षकों ने नियमावली में इस प्रावधान का किया विरोध। अधिकांश पारा शिक्षक वेतनमान के लिए अड़े। शिक्षा मंत्री ने बुलाई पारा शिक्षकों की बैठक। राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं। पारा शिक्षकों ने 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए आयोजित की जाने वाली आकलन परीक्षा का विरोध किया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आकलन परीक्षा वेतनमान के लिए दी जानी थी, ना कि 10% मानदेय में वृद्धि के लिए। पारा शिक्षक वेतनमान की मांग से पीछे हटने वाले नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रद्युम्न कुमार सिंह ने यह कहा है कि राज्य के अधिकतम पारा शिक्षकों में सिर्फ मानदेय वृद्धि वाली प्रस्तावित नियमावली को लेकर भारी असंतोष है। नियमावली के लिए कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे पारा शिक्षकों का भविष्य खतरे में है। पारा शिक्षक अपने वेतनमान की मांग से पीछे हटने वाले नहीं है। प्रद्युम्न कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि मोर्चा की सभी जिला इकाई की 12 दिसंबर को हुई बैठक में भी बहुमत का निर्णय है कि वेतनमान के लिए संघर्ष किया जाए। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा शिक्षा मंत्री से मिलकर पारा शिक्षकों की भावना से अवगत कराएगा और वेतनमान पर पुनः विचार करेगा। उन्होंने कहा कि आकलन परीक्षा मानदेय के लिए जरूरी नहीं, वेतनमान के लिए आकलन परीक्षा के लिए सरकार से सहमति बनी थी, लेकिन अब उसे मानदेय बढ़ोतरी के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है, जो गलत है। वेतनमान की जगह मानदेय बढ़ाने पर पारा शिक्षकों में बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुलाई। शिक्षा मंत्री ने एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 6 प्रतिनिधि मंडल को बैठक में बुलाया। राज्य भर के पारा शिक्षकों के विरोध को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने मोर्चा के संयोजक को पत्र भेजा है। ये बैठक शिक्षा विभाग में 11 बजे से होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।